गाइस देखो ईश्वर भैया को, ओह गॉड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारी यहाँ से सही आ रहा है गाइस। आज सुरेश नहीं आएगा एंड कल भी नहीं आएगा क्योंकि वो शूट पे गया हुआ है, तो आज सब मैं अकेला हूँ। कल मैं भी वहीं जाऊँगा शूट पे, तो आज एडिट पे बैठते हैं। ये है दुकान की चाबी, मैम देखो। तो गाइज अभी सब शटर वटर खोल के अभी जस्ट मैं ऑफिस में एंटर करके फिर काम पे बैठता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। ओह होय होय, चलो मिलते हैं। गुड इवनिंग गाइज, अभी ऑफिस में एक स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल नहीं, वो पहले मेरे व्लॉग में आ चुके हैं, तो इस बार फिर आए हैं, तो देखते हैं ऑफिस में व्लॉगिंग करते हैं। गाइस अभी वो रोमी के ऑफिस में हैं, सो जब वो आएंगे तब मैं उनसे मिलाऊंगा आप सब। ऐसा लग रहा है कि मैं सो के आया बट सोया नहीं। हाँ नींद आ रही थी बट क्या करूँ यार, कभी कभार सोने मिल जाता है जब लॉटरी लगती है। चलो मिलते हैं। पेन ड्राइव लाए हैं? हाँ वही तो, नया वाला खरीद लेंगे। हाँ गाइस, ये हैं वो शख्स जिनके बारे में बता रहा था कि गेस्ट पहले ही मेरे व्लॉग में आ चुके हैं, और एक तो शूटिंग करने के लिए वो भैया से बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं अभी क्या चीज़ बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। गाइस तो क्या आप मेरा व्लॉग नहीं देख रहे हो क्या? सॉरी सॉरी, हैं मतलब पूछ रहे वीडियो क्वालिटी कैसे आती है इस फोन में, क्या करें आप जैसे सब्सक्राइबर्स नहीं है ना हमारे पास। ऐसी बात नहीं है, आपकी कुछ बूंद की छींटे भी पड़ जाए ना तो हमारे लिए जय जयकार हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सो गाइस गुड इवनिंग, सुबह से शूट व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि यार बताओ। या एग्जैक्टली सेम जो आप सोच रहे हो, बट क्या होता है ना कि अभी पिछले दो तीन व्लॉग्स से मैं वही चीज़ डाल रहा हूँ, तो आप बोर हो जा रहे होगे। इनफैक्ट मैं खुद बोरिंग हो जाता हूँ, पता है। मुझे लगता है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग और देना चाहिए, एज अ यूट्यूबर मेरे को कंटेंट निकालना चाहिए। पर गाइज ऑफिस में मैं कंटेंट निकालूँ भी तो क्या निकालूँ, यू नो कि ऑफिस में कुछ नहीं। ऑफिस में मेरा ये होल ऑफिस में ना मेरा सिर्फ एडिटिंग वर्क होता है, फुल एडिटिंग। तो जितने वेडिंग्स के काम होते हैं ना, हाई लेवल वाले टॉप वाले, तो सब यहाँ पे। एंड आपका भाई तो एडिटर है ही, सब यार ऊपर वाले की दुआ है, मेरे बाबा जी की एंड आप सबका आशीर्वाद। बेस्ट विशेष, हाँ सपोर्ट करो सपोर्ट करो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो यार। चलो ठीक है, सब्सक्राइबर 70 हैं, मतलब कहाँ शुरुआत था। एक सब्सक्राइबर वो भी मैं खुद था पहला, पर आज 70 सब्सक्राइबर्स मतलब देख के ही मुझे अच्छा लगता है। चलो लंबा रास्ता जाना है, जब ज़्यादा बातचीत नहीं करते वो आ जाए सर भैया, फिर बात करते हैं। हाँ तो बताइए कौन सा प्रोजेक्ट में काम करना है? कौन सा प्रोजेक्ट में? हाँ और एक तो शॉर्ट फिल्म है, और सुनील भैया को एक तो मतलब कि क्या बोलते हैं उसका, क्या हो गया कुछ तो बोलो। नहीं मुझे समझ लगता है, लास्ट व्लॉग इसका है भैया का, देखा होगा आपने तो उस टाइम भी बोले कि पहले से प्रिपरेशन पता नहीं। सुनील भैया से जब आते हैं सुनील भैया की ऑफिस में तो मुंह ऐसे ही बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों क्यों भाई मुंह क्यों बंद हो जाता है। आप तो इतना
एक्ट करते हो? मैं बाहर एक्ट करता हूँ, शानदार रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जादू टोना कर रखे हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है। ज्यादा मत बोलिए, फिर मेरे सब्सक्राइबर लोग आएंगे भी नहीं। गाइस कोई जादू टोना नहीं है, पता नहीं इनको क्या हो जाता है मेरा मोबाइल देख के, कि पता नहीं क्या है इनको प्रॉब्लम है। कुछ बात करने के लिए बोलते हैं तो फिर बस ऐसे बोलो यार, ऐसे कैसे ऐसे थोड़ी होता है। लास्ट बार भी आप आए थे ऐसे ही बोल रहे थे। अभी उनके सेल पे किसका कॉल आया तो हो गए हैं, जैसे वो आते हैं फिर से उनसे मस्ती कर दें। गाइस जो ये भैया को जानते हैं तो मैं इनके बारे में बता दूं, ये एक फोटोग्राफर है एंड ये भैया योगा टीचर भी हैं, मतलब योगा भी करते हैं, मतलब सिखाते भी हैं एंड पिछले 1.5-2 साल से आप यूट्यूब पे हो। हाँ पिछले 1.5-2 साल से यूट्यूब में, और पता नहीं इन भाई साहब को और क्या क्या करना है। और एक तो नया चैनल भी होने वाला है, तो हिंदी वाला चैनल आईटीवी नॉलेज। अच्छा आगे कुछ पॉलिटिशियन बनने का भी इरादा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ईश्वर भैया बस मेरा एक रिक्वेस्ट था, आप एज अ फोटोग्राफर भी हैं ठीक है, यूट्यूब में अगर आप हो तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी आपका यूट्यूब चैनल देखे होंगे। तो अब रही बात की योगा की, तो अगर आप एक कुछ योगा वाला कुछ एक अच्छा सा करके दिखाएं हमारे सब्सक्राइबर के लिए तो बहुत अच्छा होगा। अभी यहीं पे क्या बोलते हो गाइस? अभी के लिए ना है उसका मतलब एक तो बस कुछ भी एक तो जो आपको समझ में आए, है ना गाइस, एक तो बस। मेरे रिक्वेस्ट पे ईश्वर भैया कुछ कर रहे हैं। अच्छा आपको ये बताना भी पड़ेगा कि कौन सा आसन है वो, शीर्षासन बोलते हैं उसको, शीर्षासन। और अच्छा अभी शीर्षासन करने वाले हैं, हो पाएगा तो देखिए। हां हो जाएगा, गाइस देखो देखो मेरे कंप्यूटर नहीं गिरना चाहिए। ओह माय गॉड, क्या कुछ सेकंड, एक सेकंड तो खड़े रहो, एक बार फिर से वन मोर ट्राई। ओह माय गॉड, ओह गॉड गाइस देखो ईश्वर भैया को, ओह गॉड वेरी नाइस। थैंक यू सो मच ईश्वर भैया, थैंक यू सो मच। मतलब मेरे कहने पे पैंट शर्ट पे ये करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता होगा, नहीं? So, हाथ से ही चलेंगे। तो कभी एक बार मिलेंगे तो वो भी एक करेंगे ना गाइस। सो गाइस कमेंट पे थैंक यू कर दो हमारे ईश्वर भैया को, थैंक्स अ लॉट। मेरे हिसाब से ईश्वर भैया बहुत लॉट्स ऑफ थैंक यू। हां सो मतलब ये होगा, मतलब करेंगे बताएंगे। हाँ गाइस ये एक इसके लिए अलग से एक ब्लॉग का निकालेंगे सेशन, ठीक है? हाँ सवेरे टाइम में कुछ हम भी योगा करेंगे और कुछ ब्लॉग भी निकाल लेंगे। हाँ तो गाइस एक दिन हम लोग कोलाबरेट वीडियो बनाएंगे। सो मेन अट्रैक्शन हमारे सर भैया का जो भी ट्रेनिंग योगा सेशन रहेगा मॉर्निंग में। सो एज अ फिटनेस लवर मेरे को भी अच्छा लगता है, बट अभी क्या ना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ मैं। सो इनके थ्रू से एक दिन योगा हम भी कर लेंगे और एक दिन योगा आप सब लोग भी कर लेना, ठीक है गाइस मिलते हैं। गाइस अभी मैंने मैगी बनाई है, पता नहीं मन में क्यों विचार है इसका नाम मैं सुलेमानी मैगी नाम दूंगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने सब डाला है, चिल्ली सॉस टमाटो सॉस एवरीथिंग वेजीज। सो टेस्ट करके पता था आपको कैसा है। सो हेलो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा, क्योंकि एज यू नो आप देख रहे हो कि मैं नहा धो के ना, मैगी बहुत डिलीशियस बनी थी, पता नहीं ऐसे ही बन गई कि मैंने बनाया, मुझे कुछ नहीं पता बट अच्छी बनी थी। सो मतलब सुलेमानी मैगी इसलिए नाम बोला कि बहुत सारा था, इसलिए मैंने सुलेमानी मैगी कुछ नाम नहीं सोचा। तो अगर कुछ आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम लगता है मैगी का तो मेरे को आप नीचे कमेंट में बताओ। सो गाइस अभी मैं जाता हूँ ऑफिस में एडिट करके फिर ब्लॉग अपलोड करके फिर घर आके फिर सोना है। सो हर बार मैं तो वहीं पे एंड क्यों करूँगी, बस इस बार कुछ अलग बैकग्राउंड मिले आप लोगों को। सो इसीलिए सो गाइस टिल देन आप सब अपना ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें और स्प्रेड द लव एंड हैप्पीनेस। चलो बाय।